झारखंड की लड़कियों की तस्करी करने वाले पन्नालाल की करोड़ों की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप जुड़ चुके हैं लगातार के साथ, मैं हूँ आपके साथ रेखा मिश्रा। और ईडी के आधिकारिक सूत्रों की अगर हम माने तो ईडी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पन्नालाल की जब्त की गई संपत्ति में 2,96,54,713 रुपए की अचल संपत्ति, तो वहीं विभिन्न बैंक खातों में जमा 17,71,525 रुपए और इसके साथ ही 22,39,712 रुपए की कीमत वाली फॉर्चुनर गाड़ी शामिल है। बता दें कि आरोप है कि पन्नालाल महतो और उसकी पत्नी सुनीता देवी ने दिल्ली में 3 प्लेसमेंट एजेंसियां खोल रखी थी और इसी के जरिए पिछले एक दशक से बड़े पैमाने पर उनकी ओर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही थी। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि उसने झारखंड में 5,000 से ज्यादा बच्चे बच्चियों को नौकरी दिलाने के नाम पर तस्करी की और उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में बेच डाला। बता दें कि पन्नालाल और उसकी पत्नी सुनीता साल 2003 से ही मानव तस्करी कर रहे थे। उन्होंने हर जगह अपने एजेंट बहाल कर रखे थे। वहीं पन्नालाल महतो के खूंटी जिले के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में 6 मामले भी दर्ज हैं। इसके अलावा रांची के जगन्नाथपुर थाना, दिल्ली के सुल्तानीपुर थाना और इसके साथ ही खूंटी जिले के मुरहू थाने में भी उसके खिलाफ FIR दर्ज है। ऐसे में पन्नालाल महतो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने उसकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया है। तो मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।